हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका चंद्रा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं हूँ दिव्यांग सर, और मैं और आशुतोष सर मिलकर आपको पढ़ा रहे थे पीजीटी का सिलेबस। तो स्टार्ट करते हैं। मैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया था, आपको पढ़ा रहा था, जिसमें हम लोग ने किसी किसी बात कर ली थी। हमने बात कर ली थी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन, दोनों मतलब पूरा पूरा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स, उनके साथ साथ कई चीज़ों पे हम लोग ने बातें की। उसके साथ साथ पढ़ा कि परम्यूटेशंस क्या होते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की डिफिनेशंस। उसके साथ साथ हम लोग ने और भी चीज़ें पढ़ी, परम्यूटेशंस के सारे टाइप्स पढ़ लिए। अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे व्हाट इज टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन के कितने टाइप होते हैं ये देखना है आज हम लोग को, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन के टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन का फर्स्ट टाइप जो आता है हम लोग के सामने आता है वो ये आता है, कि हम लोग ने क्या पढ़ा है कॉम्बिनेशन का, पहले तो फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला ये होता है, पहले कॉम्बिनेशन को जान लीजिए अच्छे से। देखिए होता है NCR रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है। इससे रिप्रेजेंटेशन होता है NCR से, जहां पे N क्या होता है, N इज N डिफरेंट थिंग दो वर्ड डिफरेंट में ये NT लिख गया, N डिफरेंट थिंग एंड R इज टेकन डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे परम्यूटेशंस में लिया जाता है एंड डिफरेंट थिंग होती है, उसमें से आठ डिफरेंट थिंग्स को लिया जाता है, उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कॉम्बिनेशंस में भी एन में से आठ डिफरेंट थिंग को लेते हैं। लेकिन हम लोगों ने बेसिकली पढ़ रखा है ऑलरेडी, क्या पढ़ रखा था, ये पढ़ रखा था कि जो परम्यूटेशन होता है वो क्या होता है, परम्यूटेशन जो होता है वो होता है किसी भी चीज का या किसी भी नंबर्स का अरेंजमेंट, ठीक है। और जो कॉम्बिनेशंस होता था, कॉम्बिनेशन में हम लोग ने पढ़ रखा है कॉम्बिनेशन क्या होता था, किसी भी नंबर का सिलेक्शन। हम लोग ने क्या पढ़ा है, एनी टाइप ऑफ नंबर अरेंजमेंट सो कॉल्ड परम्यूटेशंस, एंड एनी टाइप ऑफ नंबर सिलेक्शंस सो कॉल्ड कॉम्बिनेशंस, ठीक है। जब हम लोग ने ये पढ़ा है तो क्लियर है हम लोग को, क्या क्लियर होता है कि जो कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन इन द सेंस सी इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सी होता है। एंड NPR भी रूल हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें क्या होता था, उसमें जो पी होता था वो परम्यूटेशन का क्या होता था, रिप्रेजेंटेशन होता था। NCR से बेसिकली कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और NCR किसके इक्विवेलेंट होता है, NCR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n factorial upon n minus r factorial into r factorial, समझ में आया, ये होता है बेसिकली इसका फॉर्मूला, इसका होता है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, NCR is equals to n factorial upon n minus r factorial into r factorial, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली टाइप्स देखेंगे। जैसे हम लोग ने NPR में टाइप्स देखे थे नंबर्स के, तो बेसिकली हम लोग ने क्या देखे, वहां भी 4 या 5 टाइप्स देखे थे हम लोग ने NPR में, मतलब परम्यूटेशंस में। और यहाँ अब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, अगर तो कॉम्बिनेशंस में भी क्या होते हैं, इसके भी 4 टाइप्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो फर्स्ट टाइप पहले देखेंगे, NC0 is equals to NCN is equals to 1, जो फर्स्ट टाइप बनता है इसका। तो फर्स्ट टाइप क्या बनता है,
छोटा कर लूंगा इसको, जैसे ये भी दिखता रहे हम लोग को। तो होता क्या है, फर्स्ट टाइप की बात करेंगे, और जैसे हमने परम्यूटेशन के सारे टाइप्स को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था, उसका डेरिवेशन करके बताया, उसके साथ साथ एग्जांपल्स भी बताए थे पांच के पांचों टाइप्स के। उसी तरह से हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन के जो ऑल फोर टाइप्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन, डेरिवेशन, एंड आफ्टर दैट वी हैव टेक अ एग्जांपल। ओके, तो फर्स्ट नाउ एन सी जीरो इज इक्वल टू एन सी एन इज इक्वल टू वन, देन व्हाट इज प्रूफ ऑफ इट। तो यहां प्रूफ क्या करना है, यहां प्रूफ ये करना है आपको बेसिकली कि एन सी जीरो का जो वैल्यू आएगा वही एन सी एन का भी वैल्यू आ रहा है, यहां पे दोनों सिमिलरली आ रहा है इसका मतलब, और वो दोनों किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, वन के इक्विवेलेंट आ रहा है। कैसे आ रहा है, ये रहा प्रूफ उसका, प्रूफ ये रहा कि एन सी जीरो को पहले करते हैं एनसीआर का रूल लगाएंगे यहां पे। एनसीआर का रूल क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन सी जीरो इक्वल टू कर लीजिए, इक्वल टू कर लीजिए एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस जीरो फैक्टोरियल इंटू जीरो फैक्टोरियल। हमने पीछे ही पढ़ा था ऑलरेडी, क्या पढ़ा था, जीरो फैक्टोरियल की जो वैल्यू आती है वो वन आती है, क्योंकि क्लास इलेवन में भी ऑलरेडी गिवेन है, बट हम लोग ने पिछली बार भी इसको याद कर लिया था, समझ लिया था, पढ़ लिया था। ठीक है, अब इसको जो सॉल्व करते हैं हम लोग एन फैक्टोरियल को, सो एन फैक्टोरियल इज एन फैक्टोरियल, देन एन माइनस जीरो इज एन, सो दैट इज रिटन एज एन फैक्टोरियल। आफ्टर दैट वी हैव राइट जीरो फैक्टोरियल, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, जीरो फैक्टोरियल लिखेंगे। सो इसकी जो वैल्यू आएगी लास्ट ऑफ एन सी जीरो इज एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल इज वन, एन फैक्टोरियल एंड एन फैक्टोरियल दैट इज कट एंड द फाइनल रिजल्ट इज वन। सो एन सी जीरो की जो वैल्यू आ रही है आपके पास वो क्या आ रही है, वो आ रही है वन। ठीक है, यही चीज तो बोल रहे थे यहाँ पे, एन सी जीरो इज इक्वल टू वन। देन सेकेंड बात भी इसने बोल दी है, सेकेंड बात क्या बोली है इसने कि एन सी एन का भी जो रिजल्ट आएगा वो भी वन के इक्विवेलेंट आएगा, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं एनसीआर रूल से। सो यहाँ पे क्या आएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल, सो एन माइनस एन इज जीरो फैक्टोरियल, देन आफ्टर दैट एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल। हमको क्या पता है कि जीरो फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली क्या होती है, वन के बराबर होती है। एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल लिखेंगे क्योंकि एन फैक्टोरियल का जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू लिख के वन उसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, सो एन फैक्टोरियल आ जाएगा, एन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इसका भी जो डायरेक्ट रिजल्ट आता है वो भी वन आता है, जो कि डायरेक्टली इसने बोला हुआ है। तो कभी भी ऐसी कंडीशन का कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग डायरेक्टली इसका रिजल्ट क्या कर देते हैं, वन कर देते हैं। अब कैसे कर देते हैं, कैसा क्वेश्चन आ सकता है, तो क्वेश्चन आ कैसे सकता है, देखिए एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल ये होगा कि मान लीजिए दिया हुआ है कि 5C5, ठीक है, ये फॉर्मेट क्या बना, फॉर्मेट बना एनसीएन वाला, एनसीएन वाला फॉर्मेट बना। ठीक है, और अब इसको सॉल्व करना है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो 5C5 को लेके चलते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग डायरेक्टली, फिर से लिख लेते हैं 5C5। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्यूशन लेंगे तो 5 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, कितना है 5 है, 5 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इज 5 फैक्टोरियल, देन क्या आएगा रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट आएगा वो सीधे सीधे यही आएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 इज 0 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल आपस में कट हो जाएगा 1/1, आंसर इज 1। ये आ गया एक क्वेश्चन का एग्जांपल। अब सेकंड क्या आएगा, फिर इसके तो हो गया एनसीएन वाला, अब एनसी जीरो वाला कैसे होगा, तो एनसी जीरो का भी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो एनसी जीरो का जो एग्जांपल आता है वो ये आता है कि 5C0
अब इसको सॉल्व करना है, 5C0 को जब सॉल्व करने पे आप उतरेंगे तो देखिए कितने आराम से रिजल्ट आता है। कैसे आता है? 5 फैक्टोरियल आ जाता है अपॉन में 5 माइनस 0 फैक्टोरियल आ जाता है इंटू 0 फैक्टोरियल आ जाता है। अब आपको क्या पता है? पता ये है कि 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 0 इज 5 फैक्टोरियल देन 0 फैक्टोरियल, 5 5 कट देन रिजल्ट इज 1। तो चाहे NC0 हो या NCN हो, दोनों का रिजल्ट जो आता है वो डायरेक्टली वन आता है। तो अगर क्वेश्चन आ रहा है पेपर में तो क्यों हम टाइम वेस्ट करें, क्यों हम उसको सॉल्व करें? तो डायरेक्टली कंडीशंस अगर पता होंगी तो सॉल्व करने में आसानी होगी। जो मैंने कंडीशन बता दी कंडीशन नंबर 1, उससे आपको इस तरह के क्वेश्चन कभी भी मिलते हैं जहां पे NCN मतलब R भी N के इक्विवेलेंट होगा या फिर R जो होगा वो 0 के इक्विवेलेंट होगा देन रिजल्ट इज दैट, मतलब कौन सा 1 के इक्विवेलेंट। ठीक है, अब कंडीशन नंबर 2 की बात कर लेता हूं। कंडीशन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? कंडीशन नंबर सेकंड कह रहा है, ये कह रहा है आपका NCR NC1 इज इक्वल टू NCN माइनस 1 इज इक्वल टू N। कंडीशन नंबर सेकंड NCR इज इक्वल टू NCR माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू N ही है ना। ये नहीं है कंडीशन नंबर सेकंड, ये है आपकी जो थर्ड है NC1 NCN माइनस 1 इज इक्वल टू N, ये रिजल्ट आएगा। अब कैसे आएगा? तो दोनों को एक साथ फॉर्मेशन में लेके चलते हैं, प्रूविंग करते हैं NC1 की प्रूविंग करेंगे NCR फॉर्मेशन लगा के, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R इज 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। अब इसको जो प्रूफ करेंगे NC1 को प्रूफ कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, n फैक्टोरियल आएगा अपॉन में n माइनस 1 फैक्टोरियल ही बचेगा क्योंकि 1 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होगी 1 ही होगी, हम लोग को ये अच्छे से पता है। NC1 इज इक्वल टू कर देंगे n और इसको ओपन करेंगे, सो देन नेक्स्ट स्टेप इज n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये आपस में हो जाएगा कैंसिल। जो रिजल्ट आएगा आपका NC1 का वो डायरेक्ट आ रहा है n, जैसा कि कंडीशन में क्या रखा था। ये हो गया आपका प्रूफ। अब सेकंड फॉर्मेशन से प्रूफ करते हैं। सेकंड फॉर्मेशन क्या कहता है? NCN माइनस 1, अब इसको प्रूफ करेंगे, सो इसको ओपन करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, प्लस 1, सॉरी माइनस 1 है ये, अगर ओपन करेंगे तब प्लस होगा, फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, यही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, तो एन फैक्टोरियल अपॉन ये होल ब्रैकेट में, ठीक है, तो ये एन माइनस एन प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। आफ्टर दैट एन फैक्टोरियल एन एन माइनस आपस में कट, यहां केवल बचेगा 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं जिससे आसानी से आसान हो जाए, n n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, केवल n माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये n माइनस 1 आपस में हो गया कैंसिल। जो लास्ट में आया NCN माइनस 1 की वैल्यू वो आती है डायरेक्टली n, यही होती है आपकी प्रूविंग। समझ में आया? इससे ये समझ में आया होगा आपको कि इसका क्या होगा, ये जो डायरेक्टली कंडीशन कह दिया आपका कंडीशन नंबर सेकंड, इससे भी कोई क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट एन होता है। और जैसे किसी भी चीज का पूछ लेगा, एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, एग्जांपल
एग्जाम्पल ये कहता है आपका, क्या कहता है, मान लीजिए 20C1 का रिजल्ट क्या होगा, फाइंड करने को बोलता है, ठीक है। अब यहां से ये पता चलता है हमको 20 फैक्टोरियल अपॉन 20-1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, यही तो करेंगे। फिर सॉल्व करेंगे इसको तो 20 फैक्टोरियल अपॉन 19 फैक्टोरियल 20-1 एंड 1 फैक्टोरियल की वैल्यू हमको पता है 1, तो लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 20 इंटू 19 फैक्टोरियल में पॉज कर देंगे, देन 19 फैक्टोरियल इज इन डिनोमिनेटर, दैट इज कट। आफ्टर दैट जो रिजल्ट आता है हमारा 20C1 का, वो क्या आता है, 20 आता है, लेकिन कंडीशन हमको पता है तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आता है। क्या आता है, यही से हमारे दिमाग में आता है कि n की जगह पे क्या है, n की जगह पे 20 है, और 20 डायरेक्टली हमको क्या पता है, कंडीशन NC1 is equals to n, then 20C1 is equals to, डायरेक्टली लिख सकते थे यहाँ पे 20। कुछ करने की ही जरूरत नहीं है ना, दिमाग माता बच्ची करने की कोई भी जरूरत पड़ेगी आपको, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। इस फॉर्मेशन में NC n-1, मतलब समझ रहे हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कैसे पूछ लेता है, 20C9K, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डायरेक्टली, इसको सॉल्व करेंगे अगर, उसका भी रिजल्ट n के इक्विवेलेंट आता है, 20 फैक्टोरियल अपॉन 20-19 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल, देन सॉल्व करते हैं इसको 1 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल, जो इसका एक रिजल्ट आएगा वो आएगा 20-19 फैक्टोरियल अपॉन 19 फैक्टोरियल, ये कट हो जाएगा, जो फाइनल रिजल्ट आता है इसका 20C19 का, वो आता है डायरेक्टली 20। ये इससे आता है, ये इससे आता है, तो इससे एक चीज और दिमाग में आती है, क्या आती है, ये आती है कि सर 10C2 लिखा है तो क्या इसको हम लोग ये नहीं लिख सकते 10C8, क्योंकि हमने किया क्या लास्ट वाले में किया ये कि 20C1 देखा, 20C19 के इक्विवेलेंट ही आता है, कितना आता है इसका रिजल्ट, दोनों का रिजल्ट 20 ही आता है, अगर कॉमन डिफरेंस दिख रहा होगा दोनों में, जो रिजल्ट आ रहा है दोनों का वो यही आ रहा है, आपका क्या आ रहा है, इक्विवेलेंट ही आ रहा है। देख लीजिए 20C1 का जो रिजल्ट आ रहा है वही 20C19 का आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि 10C2 का जो रिजल्ट आएगा वही 10C8 का भी आएगा, हाँ तो सकता है, लेकिन एक बार चेक करना पड़ेगा, तो चेक करके मैं दिखा दे रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि जो भी रिजल्ट होते हैं दोनों के सिमिलर होते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि NC1 है वो इक्विवेलेंट होगा NCn-1, अगर NC2 है तो वो भी क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा NCn-2 के, NC3 होगा, कुछ भी होगा जो यहां पे R की जगह पे होगा उसी में N में माइनस कर देंगे, रिजल्टेंट सिमिलर ही आता है कॉम्बिनेशंस में, तो यहां पे जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा 10C2 का, सॉल्व करके देख लीजिए, इसको इधर सॉल्व करते रहेंगे और इसको इधर सॉल्व करते रहेंगे, दोनों रिजल्ट आते रहेंगे, ये करते हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन 10-8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 10-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे वो आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। अब इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, अगर सॉल्व करेंगे तो ऐसे आएगा, ये आएगा क्या 10, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, एक्सटेंड करने पे इसके जो रिजल्टेंट आएंगे वो सेम आएंगे 8 फैक्टोरियल पे, इसको पॉज कर लिया जाएगा एंड 8 फैक्टोरियल, बिकॉज 8 फैक्टोरियल इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में है तो कट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, 2 से कट कर लीजिए इसको, 5 टाइम्स में जाएगा 10, उसके बाद इसको लिखते हैं 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल पे पॉज करेंगे, बेसिकली सिमिलर चीज है वहीं पे, इंटू 2 8 फैक्टोरियल कट होगा, सिमिलरली यहां पे भी 5 टाइम्स में जाएगा,
फिर क्या आएगा, जो रिजल्ट आएगा 5945 आएगा, एंड यहाँ पे भी जो रिजल्ट आ रहा है 5945 आ रहा है। तो स्टेप्स यहीं से क्लियर होते हैं, क्या क्लियर होते हैं कि जो भी चीज वहां पे लिखी होगी उसको इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है और उस तरह से भी किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां बेसिकली अगर NC2 भी लिखा है तो ये पता चल जाएगा हमको कि NC N-2 भी दोनों एक दूसरे के इक्वलेंट ही होगा, चाहे इसको सॉल्व कर लीजिए चाहे इसको सॉल्व कर लीजिए। समझ में आ रहा है, जो भी चीज आएगा नंबर से एन से जो आर वाली थिंग है एन वाली थिंग में उतना माइनस करके इधर वाले में भी रिजल्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी यहां से। ओके, कंडीशन नंबर 3 देख लेंगे। कंडीशन नंबर 3 NCR = NCN-R, यही बात अभी बताई है पिछले वाले में, सिमिलरली वही वाली बात लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, सिमिलर आएगा रिजल्ट N-R (R)। यहाँ पे भी जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा आपका, सीधे सीधे आएगा N·N क्या हो जाएगा N-N-R इन ब्रैकेट, ठीक है, होल फैक्टोरियल इंटू N-R फैक्टोरियल। तो अब जो रिजल्ट आएगा वो ये रिजल्ट आएगा N·R(N·R)·N·R(N·R)·N·R। तो ये हो जाएगा N-N+R(N·R)·N·R। तो यहां से प्लस एन माइनस एन कैंसिल होता है, डायरेक्ट रिजल्ट आता है N·N·R(N·R)·R, जो कि सिमिलरली देख रहे होंगे यहाँ पे भी आ रहा है N·N·R(R) केवल बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे N-R(N·R) ही आएगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल लिखते हैं, प्लेस करते हैं यहाँ पे, जो कि एग्जांपल क्या है, मान लीजिए एक एग्जांपल ले दिया हमने, वही वाला सिमिलर एग्जांपल लेते हैं, ऐसे ही ले लेंगे 5C2। प्रूफ क्या करना है हमको कि 5C3 के इक्विवेलेंट है, यही है प्रूफ करने का। सॉल्यूशन लिख लेंगे 5·N कर लेंगे 5·2·5·5·3·3·। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा 5·3·2·5·2·3·। अब इसको ओपन कर लेंगे, ओपन करने पे आएगा 5·4·3·, अब ऑन करेंगे 3·2·3·3·3 कट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5·, जिसको ओपन कर लीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ओपन करेंगे तो 5·4·3·2 पे पॉज करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है, जो कट हो जाएगा, ये कट होता है यहां से। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद होगा ये, यहाँ बचेगा 5·4·2 की वैल्यू 2 होती है, 5·4·2 5 से कट करेंगे 2·2 = 4 यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम जाएगा 5·2 = 10 डायरेक्ट लिख लेंगे, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, इतना तो जोड़ घटाना सबको आता ही है, यही हो जाएगा आंसर, यही करना था प्रूफ। फिर पता चल जाता है हमको इससे, इस क्वेश्चन से, कि NCR जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, NCN-R के इक्विवेलेंट होता है। अगर कोई टर्म मान लीजिए बड़ा है कि सर इसमें दिक्कत, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पहली चीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने में बहुत आसानी से सॉल्व होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो मैंने कंडीशंस बता दी, कंडीशन पे बेस्ड क्वेश्चन बता दिए, मुझे नहीं लगता इससे कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। अब एक चीज और जान लीजिए जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, वो ये है, रिलेशन
बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इन दोनों के बीच का रिलेशन बताना। तो रिलेशन क्या होगा यहाँ पे, रिलेशन ये होगा एन पी आर इज इक्वल्स टू एन सी आर। अब दोनों को क्या करेंगे, दोनों का ले आएंगे, पहले सॉल्व करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये क्या होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है, और तो कुछ होता नहीं है यहाँ पे, छोटी सी चीज है। यहाँ पे क्या होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल होता है। तो यहां से क्या पता चलता है हमको, हमको ये पता चलता है कि एन सी एन पी आर जो होगा और एन सी आर जो होगा, दोनों में डिफरेंस क्या आता है कि यहाँ पे अगर हम आर का मल्टीप्लीकेशन आर फैक्टोरियल कर देंगे एन पी आर में, तो वो एन सी आर के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो यहां से यही पता करना है, यही रिलेशन है इन दोनों के बीच का कि क्या होगा इसका रिलेशन। तो रिलेशन जो होता है एन सी आर इज इक्वल्स टू होता है आर फैक्टोरियल इंटू एन पी आर, यही होता है रिलेशन इन दोनों के बीच का। अब हुआ क्या, एक बार ये तो रिलेशन हो गया इन दोनों के बीच का, अब हुआ एक बार क्वेश्चन पूछ लिया, क्या क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन ये था आपके टीजीटी में ही आया था 2004 में, 2004 में टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या पूछा था, पूछा ये था व्हाट इज एलसीएम ऑफ, एलसीएम ऑफ एलसीएम ऑफ नहीं था, एलसीएम बिटवीन था, एलसीएम बिटवीन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। यही था क्वेश्चन, 2004 में टीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज एलसीएम बिटवीन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, इन दोनों को बीच में क्या होगा एलसीएम। तो जब इसको सॉल्व करने की बात आई, लोगों ने लिखा क्या है परम्यूटेशन का फॉर्मूला, उसके बाद लिख दिया कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, और लेना था क्या दोनों के बीच का कॉमन, मतलब वही होता है डिफरेंस, वही होता है एलसीएम। तो इसको ओपन किया गया, जब ओपन हुआ, ओपन होने पे आया एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, और यहां देखा गया क्या देखा गया कि एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, यही आएगा। तो इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वही होता है ना, वही का एलसीएम होता है। अब इन दोनों में कॉमन अगर देखने को मिला तो क्या कॉमन देखने को मिला, जिसके उस टाइम दिमाग में रहा होगा उसने एन फैक्टोरियल तो कॉमन ऑलरेडी है एंड एन माइनस आर इज कॉमन, तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा, इन लोग का एलसीएम जो पूछा गया होगा वो यही आ रहा है। तो ये क्या होता था, ये होता था एन पी आर, ऑप्शन यही था वहां पे, एक ऑप्शन यही था और यही सही आंसर था। जिसने इसको इसको किया होगा उसका सही रहा होगा आंसर, जिसने नहीं किया होगा उसका गलत हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट था थोड़ा सा, एलसीएम भी जानना जरूरी था, हालांकि कोई एलसीएम बताता नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूं क्योंकि ये पूछा गया था, क्वेश्चन अराइज हुआ क्वेश्चन था, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इसको जानना बेसिकली बहुत ज्यादा जरूरी था आप लोग के लिए। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इन्हीं पे बेस्ड जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे उसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकता हूं मैं, क्योंकि ये 6 बार, 2 बार टीजीटी में और 4 बार टीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टीजीटी के 1999, 2009, 2010, 2013 और PGT 4 and 6 में पूछा क्वेश्चन है। एक बार देख लेता हूं, मिस तो नहीं हो रहा है सर, पूछा गया आपका 99, 10 और 13 में पूछा गया है, 10, 11, 13 है, सॉरी ये 11 है, ये होगा 10, 11 और 13 में पूछा गया है और पीजीटी के पूछा गया है ये 11 और 13 में, 11 में और 13 पीजीटी में पूछा गया है 11 में और 13 में। तो ये बेसिकली अगर देखेंगे आप तो यही सिमिलर क्वेश्चन क्या हुआ, पीजीटी में भी पूछा है 11 और 13 में और साथ ही साथ पीजीटी में भी पूछ लिया था कॉमनली, और 1999 और 2010 में भी ये टीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मानता हूं इसको। क्वेश्चन ये है कि बेसिकली कुछ अलग नहीं है, रिलेशन से ही डिपेंड करता हुआ क्वेश्चन है, NPR इज इक्वल टू 120 NCR, इसी को फाइंड करना था, ये क्वेश्चन आ गया, इतने साल में लगातार आ गया, तो हो सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में, वैसे पूछे तो जाते ही इस पे बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन आ भी सकता है इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा हाई होगी। सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे अगर तो NPR का हो जाएगा N·N−R·, इसको 120 रहने दीजिए, अब इसको ओपन कर लीजिए, N·N·R·, इंटू यहां पे क्या बचेगा केवल R·, अब यहां से N·N·R·, N·R·, कट होता है, यहां बचेगा 1 = 120 / R·, यहां डिनोमिनेटर में है मल्टीप्लीकेशन में, तो साइड चेंज होगी, ये जाएगा न्यूमिरेटर में, वो भी यहां डिवाइडेशन में है तो यहां मल्टीप्लीकेशन में आएगा 120। अब क्या होगा, अब हमको फैक्टोरियल की अगर वैल्यू याद होगी तो फैक्टोरियल की वैल्यू याद होने से आसानी से सॉल्व होगा, यहां पे फाइंड क्या करना था, आर फाइंड करना था, पूरा क्वेश्चन लिखा है मैंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, यही था क्वेश्चन, ठीक है। अब पहली चीज तो कोशिश करिए कि सारे फैक्टोरियल की वैल्यू जीरो से याद करना शुरू करिए, 0 की 1, 1 फैक्टोरियल की 1, 2 फैक्टोरियल की 2, 3 फैक्टोरियल की 3 नहीं, 3 2 जा 6, 4 फैक्टोरियल की कितनी हो जाएगी, 4 3 जा 12, 2 जा 24, 5 फैक्टोरियल की देख लेंगे, 5 4 जा 20, 3 जा 62, 2 जा 120, इस तरह से नॉर्मली याद करते रहिए, यहाँ पे 120 की जरूरत थी, 120 है, तो यहां से 5 फैक्टोरियल के इक्विवेलेंट R·(5·), सो वैल्यू ऑफ R is R·(directly 5, यही हो जाएगा इसका आंसर, समझ में आया। अब इस क्वेश्चन को जो उस टाइम समझा होगा वो बहुत आराम से सॉल्व कर लिया होगा समझदार व्यक्ति, और जो समझदार व्यक्ति नहीं रहा होगा, जो हल्का सा ज्यादा दिमागदार रहा होगा, वो कुछ ना कुछ गणित लगा के खराब कर लिया होगा। और सोचिए ये क्वेश्चन अकेले यही क्वेश्चन जो है 6-6 बार पूछ लिया है, 4 बार टीजीटी में, 2 बार पीजीटी में पूछा है, तो कोई बेकार क्वेश्चन तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन बहुत लोग दिमाग लगाते हैं सर इतना आसान क्वेश्चन आया और मैंने उसको बहुत अच्छे से किया, जब बाहर निकलते हैं तो हालत हो जाती है खराब, समझ में आ रहा है। तो कहीं से भी गलती नहीं करना है, अगर आप गलती कर रहे हैं तो फिर आप जो है बेवकूफी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
अगला क्वेश्चन जो आया था अगला क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन है जो आया हुआ था, टर्मोलॉजी पे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जितना ज्यादा सॉल्व हो सके उतने बढ़िया से आंसर आएगा। टेन सी टू अपॉन टेन सी एट, इसका रिजल्ट लाना है। यही था क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा प्यारा सा, कहीं ना कहीं कंटेंट बढ़िया मिल गया आपको। कैसे मिल गया? ऐसे मिल गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन कर लेंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। फिर आगे थोड़ा सा सॉल्विंग करते हैं ज़्यादा स्पेस ना लेते हुए, इससे आप खुद ना करिए, इसको ओपन ही कर लीजिए, ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 8 से 8 कैंसिल होता है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, अपॉन कर लेंगे 10 इंटू 9 अपॉन 8 फैक्टोरियल है चाहे तो लिख के फिर काट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत हो रही है तो 8 से 8 कट हो जाएगा। जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो ये आएगा कि ऊपर बचेगा 10 इंटू 9 अपॉन 2, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो 2 अपॉन 10 इंटू 9, 2 से 2 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, जो डायरेक्ट रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 1, यही है आंसर। इस तरह का क्वेश्चन भी इसलिए पूछ लेता है ना, कुछ कुछ महाज्ञानी लोग बैठे होते हैं, महाज्ञानी इन द सेंस कि कट आउट करने के बाद कहते हैं सर अगर चार ऑप्शन दे दिया, मान लीजिए एक ऑप्शन दे दिया कि 2 है आंसर, सेकंड ऑप्शन दे दिया उसने 3 है आंसर, थर्ड आंसर दे दिया उसने 0 है, फोर्थ वाला दे दिया 1 है, तो बहुत लोग दिमागदार और महाज्ञानी बैठे हैं जो जाके 0 मार के चले जाते हैं और कहते हैं कि मुझसे बड़ा महाज्ञानी कोई नहीं है, मेरा टीजीटी पीजीटी सब निकल गया, जबकि उनको कुछ भी नहीं आता, कट करने पे कभी 0 रिजल्ट आ ही नहीं सकता। ये चीज हमेशा दिमाग में रख लीजिए, कट करने पे जो भी रिजल्ट आती है वैल्यूएट होती है वो 1 होती है, 0 नहीं होती, 0 हमेशा सब्ट्रैक्शन पे ही आएगा। ठीक है, वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे।